नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग में, स्कैम में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कुछ ऐसे वो गतिविधि, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देती हैं जो कि शर्मनाक होती है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि आपकी अगर आपका वीडियो बन गया है और आपसे गलती भी हो गई है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर गलती के बाद गलती फिर आपने करी तो हो सकता है कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। और जो आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो एक कमेंट के आधार पर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो लोग हैं, मतलब जो जुड़े हुए हैं, वो आप YouTube के द्वारा और आप ही हमें कमेंट पर बताते हैं कि सर मेरे साथ में ये हुआ, इस तरीके से मैंने ये किया तो मुझे ये नुकसान हो गया। तो आज एक सीख मैं आपको दूंगा कि अगर आपके साथ में ब्लैकमेलिंग हो गई है और आपका वीडियो बना लिया गया है तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना है। दूसरा, ऐसी कोई बात नहीं बोलनी है जिससे कि आपका वीडियो वायरल हो जाए। तो सबसे पहले आप ये कमेंट देखिएगा, इस कमेंट में साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ये दीपक ने कमेंट किया है और इस कमेंट में लिखा हुआ है कि सर ये मेरे साथ जस्ट अभी हुआ है, मुझे सामने वाले ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग और पिक भेजी है, मेरी ही है और बोला कि मेरे फैमिली वालों को भेज देगा, उससे पहले वो मेरे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था। मैं भी समझ गया यहाँ क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी और मैंने भी सीधा विद इन सेकेंड रिप्लाई दे दिया कि कर दे वायरल, मैं कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो पहले से ही एक वीडियो वायरल हो चुकी है, अब आगे क्या करूं। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, प्रोफाइल नहीं दिख रही है सामने वाले की। ये इन्होंने कमेंट किया और इस कमेंट के बाद जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी वीडियो कहीं ना कहीं पहले भी वायरल हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं इनकी ही गलतियों से, इनकी ही हरकतों से ये चीज़ हुआ है। अगर आपको मालूम है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप समझदार हैं, तो आपने, आपके साथ पहले भी हो चुका है तो फिर आपने दोबारा क्यों किया, ये प्रश्न अपने आप में मतलब है कि अगर आपके साथ पहले स्कैमिंग हो गई थी, वीडियो कॉल स्कैम हो गया था, तो आपने दोबारा वीडियो कॉल स्कैम में आप क्यों फंसे, और फंस गए तो आपने इस तरीके की हरकतें क्यों करी कि जाके वायरल कर दे। अब हो सकता है वो दोबारा तुम्हारी वायरल कर दे, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बोलनी है। अगर आपके साथ में स्कैमिंग हो गया है, वीडियो कॉल स्कैम हो गया है, तो एक व्यवहारिक रूप से आप सीधे अपने आप को वहाँ से बाहर निकालें और निकालने के तुरंत बाद जो है उस व्यक्ति से बात करने आप बंद करें, क्योंकि अगर लगातार उससे बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको स्कैमिंग फंसाते जाएगा और आपको वो पीड़ा, वो दुख आपको देता रहेगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि आप जो है उससे भिड़ जाते हैं और आप उसको ब्लैकमेलिंग करते हुए गाली गलौज करना शुरू करते हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। वायरल का मतलब ये है कि अपलोड अगर हो गया तो एक दो लोगों ने देखा और उसके बाद कुछ लोग ज़्यादा देख लेने शुरू कर दिया, तो फिर ये दिक्कतों की परेशानी आपको सामने आने शुरू हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा विपत्ति में फंस जाएंगे। तो ये आपके लिए समझना है कि मुझे इस तरीके से नहीं करनी है। अगर आपके साथ में कुछ हो गया है तो आप प्यार मोहब्बत से जितना बाहर निकल सकते हैं उससे बाहर निकलें और अपने माइंड को थोड़ा शांत रखें। और लीगल एडवाइस अगर आप चाहते हैं किसी एडवोकेट के द्वारा, तो आप उनसे भी कंसल्ट करें कि हमारे साथ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मैं क्या करूँ। अगर आप सही समय पर रेमेडी अगर ले लेंगे तो मैं कहता हूँ कि इस ब्लैकमेलिंग से आप आसानी से निकल भी सकते हैं और आपको कोई परेशानी या समस्या का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे द्वारा एक जानकारी थी, क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं, मेरे पास जो लोग आप सब लोग मुझे डिटेल भेजते हैं, उसी के आधार पर मैं आपको सच बताता हूँ कि आप ये इस तरह की चीज़ें करें और इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि अगर आप विशेष रूप से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप किसी भी प्रकार की परेशानियों में नहीं फंस पाएंगे। तो मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।